गीत वो होता है जो जनता आराम से सुना करती है और सुनते रहेंगे। हाँ जी दादाजी, मेरे पांच पक्षी बोलेंगे गीत में, और गीत में पक्षी बोलेंगे तो लेखों अनुसार बोलेंगे, लेख से बाहर नहीं बोलेंगे, सुनते जाएंगे। लेख लिखत मेरी बात है, लेख लिखत मेरी बात है, ओ कोई झूठा ना मेरे ले, ओ लेख लिखिया लेख को, ओ तू जरा आंख खोल के दे। पहला पक्षी भैया जी, फौजी साहब बैठे हुए हैं हमारे तोचीगढ़ वाले, ऐसे ही गीतों को सुना करते हैं और हमारे अखाड़े से संबंध रखते हैं। पहला पक्षी कौन सा कहां पर बोल रहा है? तेरी जल गई सारी लंका, एक शराबी और एक भगतची है, तेरी जल गई सबरी लंका, क्यों बिच घोलता है, क्यों बिच घोलता है, तेरे जले हुए महलों पे ये उल्लू बोलता, तेरे जले हुए महलों पे ये उल्लू बोलता है। पहला पक्षी कौन सा हुआ? उल्लू। हाँ भैया, उल्लू। अब दूसरा पक्षी कहां पर बोलेगा? अरे हमारे कथा में भोला खाई गए गोता है, गोरा मैया के बापे परी गए सोता है, गोरा मैया के बापे परी गए सोता है, हमारे कथा में भोले खाई गए गोता है, गोरा मैया के बापे परी गए सोता है। जब गौरा मैया के सोता पर गए चाचा, फिर कौन कथा को सुने जो राज टटोलता है, जो राज टटोलता है, वो खोह में बैठा बैठा तोता बोलता, वो खोह में बैठा बैठा तोता बोलता है, अरे वो खोह में बैठा बैठा तोता बोलता है, जनार्दन से पूछूंगा। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आपको उसका संकेत कौन सा पक्षी देता है? हैं? कौआ। और भैया इस पक्षी को हाथ उठा करके बुलवाना, भैया बालकोनी वाले हो, और किस तरीका से बोलता है वो पक्षी? 14 बरसों में मेरे राम घर आएंगे, तो दीपक खुशी के अबध बासी जलाएंगे, दीपक खुशी के अबध बासी जलाएंगे, और ये शगुन हुआ है। कुछ बात नहीं है भैया, बैठ जाए, बैठ जाए भैया, गीत चल रहा है, बैठ जाए भैया, बैठ जाए। अरे 14 बरसों में मेरे राम घर आएंगे, दीपक खुशी के अबध बासी जलाएंगे, और मेरा शगुन हुआ है सच्चा ये दिल डोलता है, और हाथ ठकवा करके बोलना ये दिल डोलता है, क्योंकि मुड़ गेली पे बैठा ये कौआ बोलता है, क्योंकि मुड़ गेली पे बैठा कौआ बोलता है। उल्लू बोला, तोता बोला, समझ में आ रहा दादा तुम्हारी में? और भैया तुम्हारे में समझ में आ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? सही है साहब, उल्लू तोता और ये बैठा हुआ कौआ बोला। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, आप तो बुजुर्ग हो। अब चौथा पक्षी, राजा शिव के दरबार में बाज कबूतर बोला, और बारिश आने पे मोर पपैया बोलते हैं, मगर ये लेख की बात नहीं है, जिस तरीका से मैं बोल रहा हूं, जिस तरीका से मैं बुलवा रहा हूं लेखों से संबंधित, उसी तरीका से बोलना चाहिए, लेखों से अदर बात नहीं होनी चाहिए। उल्लू
तोता और कौआ। अब अगली पत्ती में लेखों के अनुसार कौन सा पक्षी बोल रहा है। ये सोए न सोए देखो मन हुआ चंगा है, धोती उठा के गौतम चल दी में गंगा है, धोती उठा के गौतम चल दी में गंगा है। सोए न सोए देखो मन हुआ चंगा है, धोती उठा के गौतम चल दी में गंगा है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा पक्षी बोलेगा। ठीक है, इतनी समझदार है यहाँ की जनता। अरे सोए न सोए देखो मन हुआ चंगा है, धोती उठा के गौतम चल दीले गंगा है। अरे वो गौतम ऋष के तप की ताकत तोलता है, ताकत तोलता है, क्योंकि आधी रात पे देखो ये मुर्गा बोलता है, क्योंकि आधी रात पे देखो ये मुर्गा बोलता है। अगर हम तुमसे कुछ कहेंगे तो लेखों के अनुसार ही कहेंगे, लेखों से अदर नहीं बोले। उल्लू बोला, तोता बोला और कौआ बोला और एक मुर्गा बोला। अब एंड में कौन सा पक्षी बोलता है। एक सीता हरण पे भी रामचंद्र रोए थे, खग मृग सबके आगे नैना भिगोए थे, खग मृग सबके आगे नैना भिगोए थे। और यूं कहीं किशन या यूं कहीं बिजंदर, अरे यूं कहीं किशन श्री राम से भेद खोलता है, यूं कहीं किशन श्री राम से भेद खोलता है। और एंड में श्री राम की गोद में पड़ा जटायु बोलता है।